नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि एकादशी और मंगलवार का दिन है। एकादशी तिथि आज शाम 4:08 तक रहेगी। आज सुबह 8:49 से शुरू होकर कल की सुबह 6:09 तक हर्षण योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:27 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आज षट्तिला एकादशी व्रत है, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन पा रहा है। अब ये योग 8 फरवरी की सुबह 6:41 से दोपहर पहले 11:18 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 9 फरवरी की सुबह 6:40 से रात 11:30 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 8 फरवरी की सुबह 7:06 से दोपहर पहले 11:17 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 12 फरवरी की सुबह 7:03 से सुबह 8:38 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 8 फरवरी की सुबह 7:26 से दोपहर पहले 11:17 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 8 फरवरी की सुबह 7:56 से दोपहर पहले 11:47 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 7 फरवरी की सुबह 7:30 से दोपहर पहले 11:58 तक, और एक बार फिर दोपहर 1:53 से रात 8:46 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 29 फरवरी की सुबह 6:47 से सुबह 7:31 तक, और एक बार फिर सुबह 8:56 से सुबह 10:22 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 10 फरवरी की सुबह 8:46 से सुबह 10:02 तक, और एक बार फिर सुबह 10:11 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 10 फरवरी की रात 9:29 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, कर्क, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:19 से शाम 4:41 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:43 से शाम 5:08 तक।
चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:18 से शाम 4:40 तक, लखनऊ दोपहर बाद 3:05 से शाम 4:28 तक, भोपाल दोपहर बाद 3:21 से शाम 4:45 तक, कोलकाता दोपहर 2:38 से शाम 4:02 तक, अहमदाबाद दोपहर बाद 3:41 से शाम 5:05 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:17 से शाम 4:44 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि। मेष राशि वालों, आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। व्यापार को बढ़ाने से धन लाभ में काफी इजाफा होगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। किसी काम को करने में आज जल्दबाजी करने से बचें, नहीं तो कार्य कुछ देर के लिए उलझ सकता है। किसी जरूरी काम के पूरा होने पर बधाइयां देने के लिए लोगों का आवागमन लगा रहेगा। आज अपने मित्र से मिलने उनके घर जाएंगे, उनसे मिलकर आपको प्रसन्नता होगी। अगर पहले किसी रिश्तेदार से अनबन हुई है तो आज रिश्तों में सुधार लाने के लिए दिन अच्छा है। आज विरोधी आपसे दूरियां बनाकर रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। ऑफिस में आज किसी बड़े काम की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसे पूरा करने में आप सफल होंगे। आज सामने आई सभी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे तो सफलता हाथ लगेगी। आज जीवन साथी के साथ घर पर ही मूवी देखेंगे। आज अपनी काबिलियत के से काम को सरलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। ड्राई क्लीनर्स के लिए आज का दिन फायदा देने वाला है। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। छात्रों को आज कॉलेज में होने वाले किसी समारोह में भाग लेने का मौका मिलेगा। नवविवाहित दंपति के रिश्ते में और मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज पूरे दिन भाग्य आपके साथ रहेगा। जिस काम को कई दिनों से पूरा करने की सोच रहे हैं वो आज किसी की मदद से पूरा हो जाएगा। आज दूसरों से बात करते समय सही भाषा का प्रयोग करें। अगर पहले से ली हुई जमीन को बेचना चाह रहे हैं तो आपको इससे काफ़ी फायदा होगा। इस राशि के जो लोग सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के प्रति आज आपको सतर्क रहना होगा। आज आप नई कार लेने का मन बनाएंगे। लवमेट से आज आपको उपहार मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज जिस काम को पूरा करना चाहेंगे वो आसानी से पूरा हो जाएगा। शाम को घर की जरूरत का सामान लेने मार्केट जाएंगे। जाते समय जेब में थोड़े ज़्यादा पैसे लेकर जाएं, क्योंकि आज खर्च बढ़ सकता है। बिजनेस के सिलसिले से आज किसी जरूरी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। परिवार के साथ रात को घर पर डिनर का आनंद उठाएंगे। प्राइवेट ऑफिस में काम करने वालों का आज प्रमोशन होगा। साथ ही बॉस आपकी सैलरी में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। बच्चों का मन आज पढ़ाई में लगेगा। जीवन साथी आज आपसे अपने मन की कोई बात शेयर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आगे बढ़ने के लिए आज का दिन बेस्ट है। कई दिनों से आपकी तरक्की में आ रही रुकावटें आज दूर हो जाएंगी। इस राशि के बिल्डर्स को आज धन लाभ होगा। साथ ही कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। पहले से बनाई हुई योजनाएं आज पूरी हो जाएंगी। परिवार में आज सुख शांति का माहौल रहेगा। आज बच्चों की सफलता से खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। आज किसी अनजान पर भरोसा न करें, घर की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। छात्र आज अपना पूरा ध्यान अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगाएंगे। अगर किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आज आप आवेदन कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बिजनेस में फायदा दिलाने वाला रहेगा। इस राशि के नौकरी कर रहे लोगों को आज आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहेगा। पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज आप सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे। स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए ऑयली खाना खाने से बचें। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आज आप ऑनलाइन व्यापार शुरू करने की नई योजना बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा।
आज प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए दिन अच्छा है। आज आप जीवन साथी के साथ धार्मिक स्थल पर दर्शन करने चाहेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आज अचानक आपको आय के नए स्रोत मिलेंगे जिनसे आपको अच्छा मुनाफा होगा। ऑफिस में आज किसी बात को लेकर बॉस से आपको डांट पड़ सकती है। आज ज्यादा क्रोध करने से आपका काम बिगड़ सकता है। बेहतर होगा आज किसी भी बात पर जल्दी गुस्सा करने से बचे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपकी कार्यक्षमता ऑफिस में आपके दिन को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। आज आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। आप बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ कोई कार्य करेंगे तो कम समय में पूरा हो जाएगा। जीवन साथी के जीवन में बदलाव आने से खुशी का माहौल बनेगा जिससे उनके प्रति आपके मन में और सम्मान बढ़ेगा। घर में चल रही विवाह संबंधी समस्या जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। पुरानी जायदाद से आज आपको लाभ होने की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। ऑफिस में आपका कॉन्फिडेंस देखकर बॉस आपसे खुश हो जाएंगे। अगर आज नए काम को शुरू करें तो आगे चलकर आपको काफ़ी फायदा होगा। आज किसी से बात करते समय मधुर भाषा का प्रयोग करें। विरोधी आज आपसे दोस्ती करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। आज किसी काम को लेकर माता पिता से परामर्श लेना अच्छा रहेगा। लवमेट आज किसी ट्रिप पर ले जाने का वादा करेंगे। आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा काफ़ी मजबूत बनेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। आज ऑफिस के कार्यों को लेकर किसी पर भरोसा न करें, अपना कार्य खुद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस में साझेदारी सोच समझ कर ही करें। साथ ही नई योजनाओं को लागू करने से लाभ होगा। परिवार में चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी। कलात्मक कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी, साथ ही कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। पढ़ाई में छात्रों के लिए ये समय जी जान लगाकर पढ़ने का है। आज नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले शिक्षकों से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उन्नति लेकर आया है। प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन फायदा देने वाला है। कई सालों से नहीं बिक रही जमीन आज अच्छे दामों में बिक जाएगी। स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए टहलना फायदेमंद साबित होगा। आज आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है। आपका मन किसी पुराने मित्र से मिलने का करेगा। हो सकता है आज किसी ऐसे मित्र से फोन पर बात हो जिससे पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। इस राशि के ट्रैवल एजेंसी चला रहे लोगों को आज रोज की अपेक्षा ज़्यादा फायदा होगा। कहीं रुका हुआ पैसा आज अचानक ही आपको वापस मिलेगा जिससे आपको बहुत खुशी होगी। आज किसी करीबी से फ़ोन पर काफ़ी देर तक बात होगी। आज घर पर ही परिवार वालों के साथ एंजॉय करेंगे। आर्ट के क्षेत्र में रुझान वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपकी पेंटिंग सबको पसंद आएगी। कार्यों में परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी पौधे में पानी दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को कोई वस्त्र गिफ्ट करें, कपड़ा गिफ्ट करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको आर्थिक मामलों में दोस्तों की मदद मिलेगी, परिवार का भी सहयोग मिलेगा। मूलांक 2, जीवन साथी तथा बच्चों के साथ कहीं घूमने जाने की योजना आज सफल हो सकती है। मूलांक 3, आज आप काम के साथ साथ अपनी फिटनेस पर भी ध्यान दे सकते हैं। मूलांक 4, संतान पक्ष से सुख की अनुभूति हो सकती है जिससे आपकी खुशियों में इजाफा होगा। मूलांक 5, आज आपकी खुशी दोगुनी हो सकती है, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। मूलांक 6, आज आपको कॉलेज में प्रिंसिपल द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा जिससे आपको गर्व की अनुभूति होगी। मूलांक 7, परिवार में आज किसी भाई
या मित्र के आगमन से खुशी का माहौल रहेगा। मूलांक 8, आज आपको अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी जो आपका उत्साह बढ़ा देगी। मूलांक 9, कार्यक्षेत्र में आज कलीग आपके कार्यों की तारीफ कर सकते हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कि पेड़ पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए, किस टाइप के पेड़ पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार नींबू, कैक्टस आदि कांटेदार पेड़ पौधों को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। साथ ही ऐसे पौधे जिनसे दूध निकलता है उन्हें भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पौधों को अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है जिससे घर में अशांति रहती है। लेकिन गुलाब का पौधा घर में लगाना अच्छा माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि काला गुलाब घर में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि काला गुलाब लगाने से चिंता बढ़ती है और डर बढ़ती है। साथ ही घर में ऐसे पेड़ पौधे भी अवॉइड करने चाहिए जो सांप, मधुमक्खी, उल्लू आदि को आमंत्रित करते हैं। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा कि कैसे पेड़ पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए इस बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि एकादशी और मंगलवार का दिन है। एकादशी तिथि आज शाम 4:08 तक रहेगी। आज सुबह 8:49 से शुरू होकर कल की सुबह 6:09 तक हर्षण योग रहेगा। हर्ष का अर्थ होता है खुशी या प्रसन्नता, अतः इस योग में किए गए कार्य खुशी ही प्रदान करते हैं और भाग्य का साथ बना रहता है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:27 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसी के अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। अगर मूल नक्षत्र के जातकों की बात की जाए तो ये लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं। ये कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। साथ ही ये आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, जो कि श्री विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। बौद्ध धर्म में भी साल को पवित्र पेड़ों की श्रेणी में रखा जाता है। कहते हैं रानी माया ने साल के वृक्ष के नीचे ही महात्मा गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। अतः आज के दिन मूल नक्षत्र के दौरान साल के पेड़ की पूजा करना बड़ा ही लाभकारी होगा, खासकर कि उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा हर्षण योग और मूल नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं आज षट्तिला एकादशी व्रत की। आज षट्तिला एकादशी व्रत है। आज के दिन तिल का बड़ा ही महत्व है। आज के दिन तिल का 6 तरीकों से प्रयोग किया जाता है। आपको बता दूं कि आज के दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करने, तिल का उपटन लगाने, तिल से हवन करने, तिल मिश्रित जल का सेवन करने, तिल का भोजन करने और तिल का दान करने का विधान है। आज के दिन तिल का मुख्य रूप से इन 6 तरीकों से उपयोग करने पर ही माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को षट्तिला एकादशी कहते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा में भी विशेष रूप से तिल का इस्तेमाल किया जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और उसे जीवन में वैभव प्राप्त होता है। साथ ही सुख, सौभाग्य, धन धान्य में वृद्धि होती है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अतः आज षट्तिला एकादशी के दिन इन सब चीज़ों का लाभ पाने के लिए आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप निरंतर रूप से आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो आज षट्तिला एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए 11 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक उन्नति की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगेगी। अगर आपके बिजनेस का फ्लो धीमी गति से चल रहा है तो आज श्री विष्णु की पूजा के समय एक पीले रंग का कपड़ा लें। अब उसमें 2 हल्दी की गांठ, 1 चांदी का सिक्का और 1 पीले रंग की कौड़ी रखकर
उस कपड़े में गांठ लगाकर पोटली बना लें। अगर आप चांदी का सिक्का रखने में समर्थ नहीं है तो साधारण 1 रुपये का सिक्का उस पोटली में रख दें। अब उस पोटली को भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपका व्यापार तेज गति से चलने लगेगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन से मधुरता कहीं गायब हो गई है या आपके रिश्ते की ऊष्मा कम हो गई है तो आज एक कच्चा जटा वाला नारियल लेकर उसे पीले कपड़े में लपेट ले। अब नारियल पर उस कपड़े को मौली की सहायता से बांध दें और श्री विष्णु मंदिर में अर्पित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आपके रिश्ते की ऊष्मा फिर से बहाल होगी। अगर आपके मनपसंद विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही हैं जो आज स्नान आदि के बाद श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के आगे बैठकर भगवान के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। मंत्र जप के बाद हाथ जोड़कर श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी से अपने मनपसंद विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज इस प्रकार मंत्र जाप और प्रार्थना करने से आपके मनपसंद विवाह में आ रही परेशानियों का हल जल्द ही निकलेगा। अगर आपके पारिवारिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं या आपके परिवार के सदस्यों के बीच अनबन चल रही है जिसके चलते कोई एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करता तो आज श्री विष्णु की पूजा के समय दक्षिणावर्त शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। जल में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दें तो अच्छा होगा। पूजा के बाद शंख में भरे उस जल को परिवार के सब सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार के सदस्यों के बीच चल रही परेशानियां कम होंगी और सबके बीच मेलजोल बढ़ेगा। अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए आज भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद केले के वृक्ष में जल अर्पित करें और साथ ही शुद्ध घी का दीपक जलाएं। फिर दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वृक्ष को प्रणाम करें और घर वापस आ जाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा और आपके रिश्ते में खुशियां ही खुशियां दस्तक देंगी। अगर आपको लंबे समय से अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है या आपका प्रमोशन किसी कारण से अटका हुआ है तो आज के दिन एक कच्चे मिट्टी के घड़े में गेहूं भरकर उस पर ढक्कन लगाकर घड़े को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें और अपनी बेहतरी के लिए उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही अच्छी नौकरी मिलेगी और आपके प्रमोशन में आ रही परेशानी भी जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आप लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष पर 11 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर कर्ज से जल्दी मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से जल्द ही आपके ऊपर से कर्ज का बोझ उतर जाएगा। अगर आप आज के दिन किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जाने वाले हैं तो घर से निकलते समय हल्दी का तिलक लगाकर जाएं, आपके सारे काम बनेंगे। लेकिन अगर आप कुछ दिनों बाद किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जाने वाले हैं या किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाने वाले हैं तो आज एक सफ़ेद सूत का लंबा सा धागा लेकर उसे हल्दी से रंग दें और श्रीहरि के चरणों में लगाकर उस धागे में 7 गांठें बांधकर अपने पास रख लें। अब जब भी आप अपने इम्पॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाएं, तो इस धागे को अपनी जेब में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपका काम जरूर सफल होगा। अगर लाख कोशिशों के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल है और आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा है तो आज श्री विष्णु के निमित्त शक्तिला एकादशी का उपवास रखें और साथ ही पीले रंग के रेशमी कपड़े में 7 हल्दी की गांठें बांधकर केले के पेड़ के नीचे रखें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याओं का हल जल्द ही निकलेगा। अपने करियर की बेहतरी के लिए या अपने बिजनेस को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए आज एक पीपल का पत्ता लेकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और भगवान के चरणों में ओम नमो भगवते नारायणाय कहते हुए अर्पित कर दें। साथ ही किसी पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। अगर मिठाई का भोग नहीं लगा सकते तो केले का फल चढ़ा दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर की अच्छी शुरुआत होगी और बिजनेस में आपको मनचाहा मुकाम हासिल होगा। अगर आपकी लाडली के यानी आपकी कन्या के विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो आज बेसन को देशी घी में भूनकर उसमें पिसी हुई शक्कर मिलाकर साथ ही हो सके तो उसमें थोड़ा सा केसर डालकर पूरे 21 लड्डू बनाइए।
अगर आप घर पर लड्डू बनाने में समर्थ नहीं हैं तो बाजार से बेसन के लड्डू खरीद कर ले आएँ। आप किसी विष्णु मंदिर में जाकर या घर पर ही भगवान श्री विष्णु की मूर्ति के चरणों में एक एक करके वो लड्डू चढ़ाएं। लड्डू चढ़ाते समय श्री विष्णु के मंत्र का जप करना न भूलें। एक लड्डू चढ़ाएं और मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते नारायणाय। इसी प्रकार मंत्र बोलते हुए सारे लड्डू भगवान को चढ़ाएं और कपूर से भगवान की आरती करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी कन्या के विवाह में आ रही परेशानियों का हल जल्द ही निकलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज हर्षण योग, मूल नक्षत्र और शटतिला एकादशी के बारे में। आज के दिन अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर उचित फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आप घूमने और अपने मनोरंजन पर कुछ पैसा खर्च करेंगे। B, आज आपको मनचाही नौकरी के साथ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। C, आज आपकी रुचि आध्यात्मिक की ओर रहेगी, आप कोई आध्यात्मिक बुक भी खरीदेंगे। D, आज आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता रहने के साथ परिवार में सुखद वातावरण का माहौल बना रहेगा। E, आप जंक फूड खाने से बचें, जितना हो सके हरी और पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। F, अचानक आज आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसके माध्यम से आपके व्यापार में लाभ हो सकते हैं। G, आज परिवार में कहीं से कोई खुशखबरी मिल सकती है जिससे घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। H, आज आपको ओवरथिंकिंग से बचना चाहिए जिससे आपके काम में देर हो सकती है। I, आज आपको आपकी बड़ी बहन की ओर से कोई मनपसंद उपहार मिलेगा। J, आज आपको कॉलेज में आयोजित किसी समारोह में भाग लेने का मौका मिलेगा। K, खुद को तरोताजा महसूस करेंगे, साथ ही अपना ध्यान किसी सोशल वर्क में लगाएंगे। L, कार्यक्षेत्र में आज किसी सहकर्मी की मदद से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। M, कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का दिन शानदार रहेगा, किसी समारोह में सम्मानित किया जा सकता है। N, आज आपको किसी चाइल्ड वेलफेयर संस्था से जुड़ने का मौका मिलेगा। O, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आज आपको सम्मानित किया जाएगा। P, आज आप अपनी मेहनत से कार्यस्थल पर लोगों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। Q, आज आपको बच्चों से कुछ खास सीखने का मौका मिल सकता है। R, आज जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का मौका मिलेगा, रिश्ते और मजबूत होंगे। S, आज आपको करियर से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलेगी, आपका मन प्रसन्न होगा। T, आज आपको कहीं से नई नौकरी का ऑफर आएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। U, कारोबारियों को किसी से जरूरी मुलाकात करनी पड़ सकती है, ये मुलाकात फायदेमंद होगी। V, आपके दैनिक कार्यों में बदलाव होंगे जिससे आपके कार्य समय रहते पूरे होंगे। W, आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा, घरेलू कामकाज में आप ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। X, आज आपको किसी टॉक शो में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। Y, आप आज डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में आपका दोस्त भी ज्वाइन करेगा। Z, अपनी फिटनेस के लिए आप योगाभ्यास शुरू कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या में भी बदलाव करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन। रामेश्वरम सनातन धर्म का एक पवित्र तीर्थ है, ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये तीर्थ 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। मान्यता है कि भगवान राम ने समुद्र पर सेतु बनाने से पूर्व यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शंकर की पूजा की, इसीलिए इन्हें रामेश्वरम कहा जाता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि जिन शिव के राम ईश्वर राम है, वही रामेश्वर है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की।
सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे आपके अलग अलग रंगों के नाखूनों के बारे में। कई लोगों के नाखूनों का रंग समय के साथ साथ बदलता रहता है। नाखूनों के बदलते रंग आपकी किस्मत, आपके भाग्य और स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे लाल रंग के सुंदर नाखूनों के बारे में। लाल रंग के नाखून शारीरिक हृष्टपुष्टता को दर्शाते हैं, यानी कि इन लोगों का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होता है। देखने में भी ये काफ़ी सुंदर होते हैं। भाग्य इनका पूरा साथ देता है। धन दौलत की इन्हें कोई कमी नहीं होती। इन लोगों का वैवाहिक जीवन सुख से बीतता है। अगर एक लाइन में इनके बारे में कहा जाए तो इन्हें सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अच्छी तरह से शिक्षित होने पर ये उच्च पद को प्राप्त करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा लाल रंग के सुंदर नाखूनों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 6 फरवरी को माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिमबी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज शाम 4:08 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 2:03 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज कुछ मीठा खाकर घर से निकले, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।